नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल नर्सिंग केयर क्लब के पैरामेडिकल के ऑनलाइन सेक्शन में इस सेक्शन में हम डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के फर्स्ट ईयर कोर्स एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे आप सबका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपने कोर्स को शुरू करता हूँ आज हम बेसिक एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे इस टॉपिक में हम निम्नलिखित पॉइंट कवर करेंगे जिसमें सेल सेल स्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस एक्रो सेल मेम्रेन टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले बात करते हैं अपन सेल्स के बारे में कि सेल्स होती क्या है तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं सेल एक स्मॉल मेमब्रेन बॉन्ड कंपार्टमेंट होता है जिसमें सभी केमिकल और मोलिकुल्स होते हैं जो ऑर्गेनिज्म लाइफ का सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं सेल सभी ऑर्गेनिज्म की फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट होती है सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने सोलह सौ पैंसठ में की थी सेल बायोलॉजी की एक ब्रांच होती है सेल के स्टडी को साइटोलॉजी कहा जाता है सेल सभी लिविंग थिंग्स के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ह्यूमन बॉडी ट्रिलियन सेल से बना हुआ होता है सेल में साइटोप्लाज्म में एक न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलाज होते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल मेनली सेल के सर्वाइवल के लिए एनर्जी ट्रांसैक्शन वाइटल के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है लाइसोसोम सेल में अनवांटेड मटेरियल को डाइजेस्ट करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करके सेल्स के इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में भूमिका निभाता है अब अपन बात करते हैं सेल की डेफिनेशन के बारे में एक सेल को लाइफ की सबसे स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट के रूप में डिफाइन किया गया है जो लाइफ की सभी प्रोसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है इसके करेक्ट्रिस्टिक्स की बात करें तो सेल की वेरियस असेंशियल करेक्टरिस्टिक्स निम्नलिखित है सेल एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी को स्ट्रक्चर और सपोर्ट करती है सेल एंट्रियली एक सेपरेट मेम्ब्रेन से सराउंडेड होती है न्यूक्लियस रिप्रोडक्शन और सेल ग्रोथ के लिए नेसेसरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है सेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल स्ट्रक्चर में स्पेसिफिक फंक्शन के साथ इंडिविजुअल कंपोनेंट शामिल होते हैं जो लाइफ्स की प्रोसेस को पूरा करने के लिए अशेंशियल होते हैं इन कंपोनेंट्स में शामिल है सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनालाज सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन सेल का सपोर्ट्स और प्रोटेक्ट करती है यह सेल के अंदर और बाहर सब्सटेंस की मूवमेंट को कंट्रोल करता है यह सेल को एक्सटर्नल इन्वामेंट से सेपरेट करता है सेल मेम्ब्रेन सभी सेल्स में प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन एक सेल की आउटर कवरिंग होती है जिसके भीतर अन्य सभी ऑर्गेनलाइ जैसे कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस संलग्न होते हैं इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रूप में भी जाना जाता है स्ट्रक्चर द्वारा यह एक पोरस मेम्ब्रेन है जो सेल के अंदर और बाहर सेलेक्टिव सब्सटेंस की आवाजाही की अनुमति देता है अब अपन बात करते हैं सेल वॉल के बारे में तो सेल वॉल प्लांट की सेल स्ट्रक्चर का मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट होता है यह सेलुलोज हेमी सेलुलोज और पैकिन से बना हुआ होता है सेल वॉल विशेष रूप से प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अन्य सेलुलर कंपोनेंट्स की सुरक्षा करता है सेल वॉल भी प्लांट सेल की सबसे आउटर लेयर होती है यह सेल्स को शेप और सपोर्ट करता है जो उन्हें मैकेनिकल शॉक्स और इंजरी से बचाता है साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म सेल के अंदर प्रेजेंट एक थिक क्लियर जेली लाइक -like सब्सटेंस होता है सेल के भीतर मोस्टली केमिकल रिएक्शन इसी साइटोप्लाज्म में होती है साइटोप्लाज्म जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वैक्यूल माइट्रोकोन्ड्रिया राइबोसोम इस साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड होते हैं न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में सेल के डीएनए के इनहेरिडेटरी मटेरियल होते हैं यह सेल्स को ग्रो मैच्योर विभाजित और मरने के लिए संकेत भेजता है न्यूक्लियस न्यूक्लियर में से सराउंडेड होता है जो डीएनए को बाकी सेल से अलग करता है न्यूक्लियस डीएनए को प्रोटेक्ट करता है और एक प्लांट सेल स्ट्रक्चर का एक इंटीग्रल कंपोनेंट होता है इस स्लाइड में न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर को बताया गया है अब अपन बात करते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया के बारे में तो माइट्रोकॉन्ड्रिया में टू मेम्ब्रेन होती है एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मैम्ब्रेन ये मैमब्रेन सेल की आउटर मेम्ब्रेन की तरह ही फॉसपोलिपिड लेयर से बनी होती है आउटर मेम्ब्रेन माइट्रोकॉन्ड्रिया की सरफेस को कवर करती है जबकि इंटरनल मेम्ब्रेन भीतर स्थित होती है और इसे कई फोल्ड्स होते हैं जिन्हें क्राइस्ट कहा जाता है फोल्ड्स मेम्ब्रेन की सरफेस एरिया को बढ़ाता है जो महत्वपूर्ण है क्योंकि इंटरनल मेम्ब्रेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में शामिल प्रोटीन को रखती है यह वह स्पेस है जहां माइटोकॉन्ड्रिया के कई कार्यों को करने के लिए केमिकल रिएक्शन होती है एक इंक्रीज्ड सरफेस एरिया होने वाली अधिक रिएक्शन के अधिक स्पेस बनाता है और फास्फोलेशन का सेंटर माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्थान को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है इस स्लाइड में सेल्स के अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया को दर्शाया गया है जिसके अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया डीएनए को बताया गया है अब अपन बात करते हैं राइबोसोम के बारे में राइबोसोम आर और प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स होता है और इसलिए राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन के रूप में जाना जाता है ये दो सब यूनिट से बना होता है स्मॉल सब यूनिट वह जगह होती है जहाँ एम आर एन ए बाइंड होता है और डिकोड किया जाता है जबकि बड़ा सब यूनिट वह स्पेस होता है जहाँ एमिनो एसिड मिलाया जाता है दोनों सब यूनिट प्रोटीन और राइबो न्यूक्लियर एसिड कंपोनेंट से बने होते हैं दो सब यूनिट एक सब यूनिट में आर एन एस और दूसरे सब यूनिट में प्रोटीन के बीच परस्पर क्रिया द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं इम्पोर्टेंट राइबोसोम फंक्शन में शामिल है यह प्रोटीन बनाने के लिए एमिनो एसिड को असेंबल करता है जो सेलुलर फंक्शन को पूरा करने के लिए आवश्यक होता है डीएनए ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस द्वारा डीएनए एमआरएनए का प्रोडक्शन करता है एमआरएनए न्यूक्लियस में सिंथेसिस होता है और प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस के लिए साइटोप्लाज्म तक पहुंचाया जाता है राइबोसोमल सब यूनिट एमआरएनए पॉलीमर के आसपास बाउंड होते हैं टी आर एन ए तब प्रोटीन का सिंथेसाइज करता है साइटोप्लाज्म में सिंथेसाइज प्रोटीन को साइटोप्लाज्म में ही यूज किया जाता है बोन राइबोसोम द्वारा सिंथेसाइज प्रोटीन को सेल्स के बाहर ले जाया जाता है यहाँ पर राइबोसोम्स को बताया गया है गोल्जी अपरेटिस की बात करें जिसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी भी कहा जाता है ये यूक्योरेटिक सेल्स की मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल जो कि सिस्टिन नामक फ्लैट पाउच की एक चेन से बना होता है गोलजी ऑपरेटस टारगेट डेसेंटेशन डिलीवरी के लिए प्रोटीन और लिपिड को ट्रांसपोर्ट मॉडिफाई और पैकेजिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पर गोलजी ऑपरेटस की स्ट्रक्चर को बताया गया है यह साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बगल में और सेल न्यूक्लियस के पास स्थित होता है जबकि कई प्रकार की सेल्स में केवल एक या कई गोलजी ऑपरेटस होते हैं प्लांट्स की सेल में हंड्रेड्स हो सकते हैं अब अपन बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में एक कंटिन्यूस मेम्ब्रेन सिस्टम को यूक्योरेटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म के भीतर फ्लैटेंड सेक्स की एक सीरीज बनाती है और विशेष ट्रांसपोर्ट से सेन्थस फोल्डिंग मॉडिफिकेशन और प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट में इम्पोर्टेंट होने के नाते कई कार्यों का कार्य करती है सभी यूक्योरेडिक सेल्स में एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बताया गया है एनिमल सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आमतौर पर सेल्स के मेम्ब्रेनस कंटेंट के आधे से आधी का कॉन्स्टिट्यूट करता है कुछ फिजिकल और फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टू टाइप्स को भेज सकते हैं जिन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रूप में जाना जाता है लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम सेल्स के भीतर स्पेशल वेसिकल्स होते हैं जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के यूज़ के माध्यम से लार्ज मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करते हैं वेसिकल्स एक लिपिड बिलियर मेम्ब्रेन से कवर हुए फ्लूड के स्मॉल एरिया होते हैं और सेल्स के भीतर मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट में उनकी भूमिका होती है लाइसोसोम केवल एनिमल सेल्स में ही पाए जाते हैं एक ह्यूमन सेल में उनमें से लगभग तीन होते हैं न केवल वे लार्ज मोलिकूल्स को डाइजेस्ट करते हैं वे सेल के वेस्ट प्रोडक्ट को तोड़ने और छुटकारा पाने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं लाइसोसोम में साठ से अधिक विभिन्न एंजाइम होते हैं जो उन्हें इन प्रक्रियाओं को पूरा करने की अनुमति देते हैं लाइसोसोम को सेल्स का सुसाइडल बैग भी कहा जाता है इस स्लाइड में सेल की स्ट्रक्चर को बताया गया है आइए इससे जुड़ा अपन एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं सेंटर ऑफ फास्पोरलाइजेशन इज इसका सही आंसर होगा माइट्रोकॉन्ड्रिया यानी कि ऑप्शन बी अब अपन बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन के बारे में तो इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर इस तरह से डिजाइन की गई है कि यह सब्सटेंस के फ्री मूवमेंट की अनुमति नहीं देते हैं हालांकि यह सेमी प्रेम्बल होते हैं जिसके कारण कुछ सब्सटेंस अभी भी सेल के अंदर और बाहर जा सकते हैं मूवमेंट के मैकेनिज्म के बेस पर सेल मेम्ब्रेन के पार ट्रांसपोर्ट को टू टाइप्स में क्लासीफाइड किया गया है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में हायर कंसनट्रेशन वाले एरिया से लोअर कंसनट्रेशन वाले एरिया में कंटेंट को नीचे ले जाना शामिल है इस प्रोसेस को इसके लिए एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट के माध्यम से मूवमेंट को डिफ्यूज़न कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन में टू टाइप के डिफ्यूज़न हो सकते हैं एक सिंपल डिफ्यूज़न और दूसरा एक फेसिलेटेड डिफ्यूजन सिंपल डिफ्यूजन तब होता है जब स्मॉल हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर मोलिक्यूल्स आसानी से एक मेम्ब्रेन से हायर कंसनट्रेशन से कम एक तक गुजरते हैं फेसीलेटेड डिफ्यूजन की बात करें तो फेसीलेटेड डिफ्यूजन एक टाइप का पैसि ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के पार लार्जर चार्ज्ड हाइड्रोफिलिक और पोलर मॉलिक्यूल्स को पैसिव करने के लिए इंट्रीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन का यूज़ शामिल है ऑस्मोसिस की बात करें तो ऑस्मोसिस वाटर की कंसनट्रेशन को बरकरार करने के लिए रीजन हाई कंसनट्रेशन वाले रीजन से लोअर कंसनट्रेशन वाले रीजन में वाटर का मूवमेंट है ऑस्मोसिस पैसिव ट्रांसपोर्ट है जिसका अर्थ है कि इसे लागू करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है थ्री टाइप के सोल्यूशन का यूज़ किया जा सकता है आइसोटोनिक हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक एक आइसोटोनिक सोलूशन एक सेमी सेमीपेमल मैमब्रेन के एक्रोस एक ही ऑस्मोटिक प्रेशर वाले टू सोल्यूशन को संदर्भित करता है यह स्टेट किसी भी तरफ सोल्यूट की कंसनट्रेशन को बदले बिना मैमब्रेन में वाटर के फ्री मूवमेंट की अनुमति देता है एक हाइपोटोनिक सोलूशन कोई भी सोलूशन हो सकता है जिसमें दूसरे सोल्यूशन की तुलना में कम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है बायोलॉजिकल फील्ड्स में यह आमतौर पर एक सोल्यूशन को संदर्भित करता है जिसमें कम सोल्यूट और दूसरे सोल्यूशन की तुलना में अधिक वाटर होता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन एक पार्टिकुलर टाइप का सोल्यूशन होता है जिसमें किसी सेल के अंदर की तुलना में सेल के बाहर पर सोल्यूट्स का कंसंट्रेशन होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट को एक ऐसी प्रोसेस के रूप में डिफाइन किया गया है जिसमें लोअर कंसेंट्रेशन वाले रीजन से मोलिक्यूल्स की मूवमेंट एक ग्रेडियंट या एक्सटर्नल एनर्जी के यूज के साथ एक ऑब्स्टेकल के अगेंस्ट हायर कंसेंट्रेशन के रीजन में शामिल है अब अपन बात करते हैं टिश्यूज के बारे में तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो टिश्यू सेल्स का एक कलेक्शन है जिसमें सिमिलर स्ट्रक्चर होती है और अपेक्षाकृत कॉमन फंक्शन करते हैं ह्यूमन और एनिमल के टिश्यू का अध्ययन हिस्टोलॉजी के में, रूप में या डिजीज के कनेक्शन में हिस्टोपैथोलॉजी के रूप में जाना जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज़ की बात करें तो टिश्यू को फोर टाइप में क्लासिफाइड किया गया है एपीथीलियल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू सबसे पहले बात करते हैं अपन एपीथीलियल टिश्यू के बारे में तो इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो एपीथीलियल टिश्यू सेल्स में किसी भी इंट्रासेलुलर स्पेस के विदाउट क्लोजली पैक्ड किया जाता है इसके लोकेशन की बात करें तो यह बॉडी के अधिकांश यूरिनरी ट्रैक्ट के आउटर और इनर लाइनिंग का फॉर्मेशन करता है और वेसल्स हार्ट चैम्बर यूट्रस आदि स्किन जैसे बॉडी के एक्सपोज एरिया पर पाया जाता है इसके फंक्शंस की बात करें तो बॉडी के ऑर्गन को डिफेंस और प्रोटेक्ट करने में इम्पोर्टेंट रोल करता है डिफरेंट ऑर्गन में डिफरेंट फंक्शन शो करते हैं एग्जाम्पल स्टमक में गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्व करता है स्किन में पसीने के रूप में वेस्ट निकालते हैं ट्रेकिया में डस्ट पार्टिकल को निकालते हैं एपीथिलियल टिश्यू के टाइप्स की बात करें तो एपीथिलियल टिश्यू को टू टाइप्स में क्लासीफाइड किया जाता है सिंपल एपीथिल टिश्यू कंपाउंड एपीतिलियल टिश्यू सिंपल एपीथिलियल टिश्यू में टिश्यू की सेल्स को में अरेंज किया जाता है सेल्स एक नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पर टिकी हुई होती है जो कोलेजन फाइबर के एक नेटवर्क से बना होता है एपिथेलियल टिश्यू में सेल्स की एक लेयर सिंपल एपिथेलियम टिश्यू हो सकती है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कई प्रकारों में विभाजित होती है सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम की बात करें तो टिश्यू की ये सेल्स बेहद पतली या सपाट होती है इन सेल्स की विड्थ हाइट से बहुत अधिक होती है वे वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ एक्सचेंज होता है इसके एग्जाम्पल है लंग्स एलोलाई बोमन कैप्सूल ऑफ किडनी एंडोथीलियल लाइनिंग ऑफ हार्ट चैम्बर ब्लड वेसल्स यहाँ पर सिंपल स्क्यूमस एपीथीलियम को बताया गया है सिंपल कुबाइडल एपिथिलियम की बात करें तो सिंपल कुबाइडल एपीथिलियम एक टिश्यू होता है जो क्यूब शेप की सेल से बना होता है जो पूरे बॉडी में वेरियस ग्लैंड और डक्ट में सिक्रेशन और एब्जॉर्बशन सब्सटांस में शामिल होता है वे एक ऑर्गन को लिमिट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं इसके एग्जाम्पल है पेनक्रियास स्लैरी ग्लैंड किडनी ट्यूब्यूस और डक्ट जो एक्जोक्रैन सिक्रेशन को ट्रांसपोर्ट करती है यहाँ पर सिंपल कुबाइडल एपीथिलियम को बताया गया है सिंपल कोलमुलर एपिथिलियम की बात करें तो यह एक कोलमुलर एपीथिलियम है जो यूनिलेयर्ड होती है ह्यूमन में यह स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन सहित डाइजेस्टिव ट्रैक के मोस्ट ऑर्गन होते हैं सिंपल कोलमुलर एपीथिलियम को थ्री टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है सिलेटेड कोलमुलर एपीथीलियम ग्लैंडुलर ग्लैंडर एपीथीलियम सूडोस्टेटफाइड एपिथीलियम यहाँ पर सिंपल कॉलमुलर एपीथिलियम को बताया गया है सिलेटेड कॉलमुलर एपीथीलियम की बात करें तो ये टिश्यू मोडिफाइड कोर्मुलर सेल से मिलकर कंसिस्ट होता है ये फ्री मोटल सरफेस होते हैं जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसे सीले कहा जाता है जो सब्सटेंस को एक यूनिक डायरेक्शन में पुश किया जाता है इसका एग्जाम्पल है ओविडक्ट और रिंगल ट्यूब्यूल्स यहाँ पर सिलेटेड कॉलमुलर एपीथीलियम को बताया गया है ग्लैंडुलर एपीथीलियम की बात करें तो सिक्रेशन ग्लैंडुलर एपीथीलियम का मेन फंक्शन होता है यह टिश्यू ग्लैंड नामक मॉडिफाइड कोलमुलर सेल से मिलकर बनते हैं जो एक्जोक्राइन और एंडोकोराइन पैदा करते हैं इसके एग्जाम्पल है जी के इनर लाइनिंग यहाँ पर ग्लैंडुलर एपीथीलियम को बताया गया है सीडोस्टेडिफाइड कोलमुलर एपीथीलियम की बात करें तो सेल्स की एक सिंगल लेयर से बनते हैं जो कई लेयर से बने होने का अपहिर देते हैं खासकर जब क्रॉस सेक्शन में देखा जाता है इन एपीथिलियल सेल्स के न्यूक्लियस मल्टीपल लेयर्स पर होते हैं जो स्टेटिफाइड होने का इल्यूजन पैदा करते हैं इसके एग्जाम्पल है ट्रेकिया और ब्रोंकाई यहाँ पर सूडियो स्टेटिफाइड कोलमुलर एपीथिलियम को बताया गया है कंपाउंड एपीथिलियम की बात करें तो यह सेल्स की एक से अधिक लेयर या मल्टी लेयर से बनी होती है इस प्रकार सिक्रेशन और एब्जॉर्बशन इसकी लिमिटेड रोल होता है उनका मेन फंक्शन केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है वे स्किन की ड्राई सरफेस बक्कल कैविटी की मोइस्ट सरफेस फेरिंग ग्लैंड के डक्ट्स की इनर लाइनिंग और पेनक्रेटिक डक्ट को कवर करते हैं यहाँ पर कंपाउंड एपीथीलियम को बताया गया है ये टिश्यू पूरे बॉडी में फैले हुए हैं कंपाउंड या स्टेटिफाइड एपीथिलियम टिश्यू थ्री टाइप में डिवाइडेड होते हैं स्टेटिफाइड स्क्यूमस एपीथिलियम स्टेटिफाइड ट्रांजिशनल एपिथीलियम स्टेटिफाइड कॉलमुलर एपिथीलियम सबसे पहले बात करते हैं स्टेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम के बारे में इस टिश्यू की डीपर लेयर की ने डोटल सेल्स को बनाने के लिए खुद को डिवाइडेड किया जो सरफेस की ओर बढ़ती है मूवमेंट के दौरान ये सेल्स अधिक से अधिक फ्लैट हो जाती है अंत में ड्राई हो जाती है और मर जाती है जो फ्रैक्शन के अधीन नहीं होती है एग्जाम्पल है आउटर स्किन ग्लैंस ऑफ पेनिस माउथ में म्यूकस मेम्ब्रेन और वेजाइना यहाँ पर स्टेटिफाइड स्क्यूमस एपिथीलियम को बताया गया है स्टेटिफाइड ट्रांजिशनल एपिथीलियम की बात करें तो इस टाइप की सेल्स में राउंडेड सेल्स होती है जो बहुत इलास्टिक होती है और खुद को डिवाइडेड करने की कैपेसिटी रखती है इसके एग्जाम्पल है लाइनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर यहाँ पर स्टेटिफाइड स्क्यूमस एपीथिलियम को बताया गया है स्टेटिफाइड कोलमुलर एपीथिलियम की बात करें तो स्टेटिफाइड कोलमुलर एपीथिलियम एक रेड टाइप का एपीथिलियम टिश्यू होता है जो कोलम शेप सेल्स का बना होता है और मल्टीपेड में अरेंज होता है यह आई के कंजेक्टि में फेरिंग्स एनस एनएसरस और मेल के यूरे और वास डिफरेंस के कुछ पार्ट्स में पाए जाते हैं यहाँ पर स्टेटिफाइड कोलमुलर एपीथिलियम को बताया गया है आइए इसी से जुड़ा अपन एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं सूडो स्टेटिफाइड एपीथिलियम प्रेजेंट इन तो इसके ऑप्शन है नेफ्रोन एंड न्यूरोन लैरिंगस एंड फेरिंग्स ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई यूनरी ब्लेटर एंड इंटेस्टेंट तो इसका सही आंसर होगा ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई यानी कि ऑप्शन सी अब अपन बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में कनेक्टिव टिश्यू एक टिश्यू या ऑर्गन को अदर टिश्यू या ऑर्गन से कनेक्ट करता है बॉडी में टिश्यू का ग्रुप जो बॉडी और उसके ऑर्गन के रूप को मेंटेन रखता है और इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है कनेक्टिव टिश्यू में कई प्रकार के फाइब्रस टिश्यू शामिल है जो केवल उनके डेंसिटी और सेलुलर में भिन्नता होते हैं जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट फाइब्रोसाइट मैक्रोफेज और एडिपोस सेल जिन्हें मैट्रिक्स कहा जाता है इसके एग्जाम्पल है बोन एंड कार्टिलेज। फाइब्रोब्लास्ट एक कोलेजन और अन्य फाइबर का उत्पादन करते हैं फाइब्रोसाइट्स की बात करें तो ये सेल होती है जो पेरिफेरल ब्लड में सर्कुलेट होती है और कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन को प्रोड्यूस करती है मैक्रोफेज की बात करें तो ये इम्यून सिस्टम की इम्पोर्टेंट सेल होती है जो एक इन्फेक्शन के रेस्पॉन्स में बनती है एडिपो सेल्स की बात करें तो ये फैट जैसे एनर्जी का स्टोर करते हैं इस स्लाइड में कनेक्टिव टिश्यू की क्लासिफिकेशन को बताया गया है जिसमें कनेक्टिव टिश्यू थ्री टाइप में डिवाइडेड है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर स्केलेटन टिश्यू फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू अब जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर होता है उसे टू टाइप में डिवाइडेड किया गया है लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है उसके अंदर एरियोलर टिश्यू एडिपोज टिश्यू रेटिकुलर टिश्यू शामिल है और जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें टेंडेंस लिगामेंट फेसिया शामिल है स्केलेटन टिश्यू की बात करें तो यह भी टू टाइप में डिवाइडेड होता है कार्टिलेज और बोन जो कार्टिलेज होता है उसके अंदर हाइलिन एलास्टिन और फाइब्रस शामिल है जो फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू होता है उसे टू टाइप में डिवाइडेड किया गया है जिसके अंदर ब्लड और लिम्फ आते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू को टू टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू लूज़ कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो लूज कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू की एक कैटेगरी होती है जिसमें एरियोलर टिश्यू रेटिकुलर टिश्यू और एडिपोस टिश्यू शामिल है वर्टिब्रेट्स में कनेक्टिव टिश्यू सबसे आम प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है यह ऑर्गन्स को जगह देता है और एपिथेलियल टिश्यू को अन्य अंडरलाइंग टिश्यू से जोड़ता है एरियुलर टिश्यू की बात करें तो एरियोलर टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाने वाले सभी थ्री टाइप्स के फाइबर कोलेजन लास्टिन रेटिकुलर होते हैं इसके एग्जाम्पल जॉइंट्स के आसपास मसल्स के बीच स्किन के एपिथीलियम के नीचे जीआईटी, रेस्पिरेटरी और यूनरी ट्रैक्ट कोलेजन फाइबर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और लगभग फ्लेक्सिबल होते हैं जिनमें प्रोटीन कोलेजन होते हैं जो बंडल होते हैं इलास्टिक फाइबर फ्लेक्सिबल होते हैं और उन ब्रांचेज में अरेंज होते हैं जिनमें इलास्टिन प्रोटीन होता है इसके एग्जाम्पल आर्टरीज की वॉल में और नर्व सेल्स की लाइनिंग रेटिकुलर फाइबर्स की बात करें तो वे अन्य दो प्रकार के फाइबर की तुलना में बहुत पतले होते हैं सब्सटेंस रेटिकुलिन बहुत अंत में फाइबर बनता है जिसे खींचा नहीं जा सकता है इसके एग्जाम्पल है स्प्लीन और लीवर एडिपोस टिश्यू की बात करें तो एडिपोस टिश्यू इन में फेट के साथ राउंडेड सेल के फील्ड से बनता है जो यह एक भरने वाला टिश्यू होता है क्योंकि इसके कई होलो स्पेस होते हैं यह स्टारवेशन या एक्सरसाइज के दौरान फ्यूल के स्टोर की तरह काम करता है यह एक हीट इंसुलेटर के रूप में कार्य करता है जो बॉडी से हीट के लॉस को रोकता है इसके एग्जाम्पल है डीपर लेयर ऑफ स्किन बटॉक्स ब्रेस्ट एंड अराउंड किडनी रेटिकुलर टिश्यू की बात करें तो रेटिकुलर टिश्यू कई ऑर्गन के लिए बेसिक फ्रेमवर्क बनाते हैं जिनकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है जैसे लीवर स्प्लीन लिंप नोड और बोन मैरो डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू की तुलना में अधिक फाइबर और लो सेल्स होती है कोलेजन फाइबर अधिक मात्रा में और डेंस में प्रेजेंट होते हैं वे कई टाइप के होते हैं जैसे कि टेंडन्स लिगामेंट्स फेसियम टेंडेंस की बात करें तो एक स्ट्रक्चर जो मसल्स और बोन को जोड़ती है ये मुख्य रूप से कोलेजन फाइबर के वाइट और टाइटली पैक फाइबर होते हैं वह स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल और रेजिस्टेंस होते हैं जिससे बॉडीज के टेंडो के झुकाव को मजबूत किया जाता है लिगामेंट्स की बात करें तो एक स्ट्रक्चर जो बोन्स को जोड़ती है वे मुख्य रूप से डेंसली येलो फाइबर से बने होते हैं वे मध्यम मात्रा में खिंचाव को सहन कर सकते हैं वे एक बोन को दूसरे से जोड़ते हैं और जॉइंट्स को स्थिर करते हैं इसका एग्जाम्पल है इलास्टिन प्रोटीन फशिय की बात करें तो फेसिया जैसे स्केलेटन की मसल स्केलेटन की मसल्स को बोन के आसपास के ऑर्गन और एक लार्ज एरिया में मस्कुलर के कॉन्ट्रैक्शन के फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होते हैं स्केलेटन टिश्यू की बात करें तो स्केलेटन फाइब्रस और मिनरलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है जो इसे फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं इनमें बोन कार्टिलेज टेंडन्स जॉइंट्स और लिगामेंट्स होते हैं एक टाइप का मिनरलाइज कनेक्टिव टिश्यू जिसमें कोलेजन और कैल्शियम फास्फेट एक मिनरल क्रिस्टल होता है इसमें कार्टिलेज की बात करें तो कार्टलेज सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होता है नाइट्रिक्स में कार्टिलेज सेल्स के साथ कॉन्ड्रीन होता है कार्टिलेज सेल स्मूथ और क्लियर वॉल से घिरी होती है जिन्हें खामिया कहा जाता है कार्टिलेज की मैच्योर सेल को कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है कॉन्ड्रोब्ला सेल्स को डिस्ट्रॉय करने वाले कार्टिलेज होते हैं कार्टिलेज की सरफेस टंग कनेक्टिव टिश्यू से बनती है जो पेरी होती है वहाँ कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती है कार्टिलेज के फंक्शंस की बात करें तो कार्टिलेज कुछ बोन को एक साथ रखता है उदाहरण के लिए रिब कार्टिलेज यह एरिया को शोक प्रूफ बनाता है यह बढ़ते बच्चों में बोन्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है कार्टलेज एकमात्र ऐसा टिश्यू है जो कभी बढ़ना नहीं रोकता है यह जॉइंट्स में कुशन की तरह काम करता है इलास्टिक कार्टिलेज मोस्ट फ्लेक्सिबल कार्टिलेज है क्योंकि इसमें इलास्टिन फाइबर अधिक होते हैं कार्टिलेज थ्री टाइप्स में डिवाइडेड है हार्लिन इलास्टिक और फाइब्रस हार्लिन कार्टिलेज की बात करें तो हार्लिन कार्टिलेज ह्यूमन बॉडी में अधिकतम है यह स्केलेटन के अधिकांश भाग इस कार्टिलेज से बना होता है यह टंग और फ्लेक्सिबल होता है हार्लिन कार्टिलेज कांच की तरह होता है लेकिन कई संयुक्त सतों पर पाए जाने वाले पारभासी उपास्थि होती है यह रिब्स नोज लैरिंग्स और ट्रेकिया में भी सबसे अधिक पाया जाता है हाइलिन काटलेज पियर ग्रे कलर में होती है जिसमें दृढ़ता या रिजिडिटी होती है और इसमें कोलिजन की काफ़ी मात्रा होती है इसके एग्जाम्पल है जॉइंट्स की बोन सरफेस रिब्स और स्टनम के बीच नेजल सेप्टम लैरिंग्स ट्रेकिया और ब्रोंकाई इलास्टिक काटलेज की बात करें इलास्टिक तो कार्टिलेज में लार्ज अमाउंट में इलास्टिक फाइबर होते हैं इसलिए यह बॉडी का अत्यधिक लचीला कार्टिलेज होता है मैट्रिक्स का कलर पेल येलो होता है यह बॉडी के ऑर्गन का समर्थन या रख प्रोवाइड कराता है इसका एग्जाम्पल है टिप ऑफ नोज ईयर पिन्ना ट्यूनिका मीडिया के ब्लड वेसल्स एपिग्लोटिस फाइब्रस कार्टिलेज की बात करें तो इसमें कॉलेजन फाइबर का एक बड़ा नेटवर्क होता है क्योंकि व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू परिवर्तित कार्टिलेज होते हैं और यह स्ट्रोंगेस्ट कार्टिलेज है अब अपन बात करते हैं बोन के बारे में बोन की स्टडी को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है बोन के फॉर्मेशन की प्रोसेस को ऑसिफिकेशन कहा जाता है सबसे हार्डेस्ट टिश्यू बोन होता है बोन के सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग को पेरिओस्टियम कहा जाता है पेरिओस्टियम व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है बोन सेल को ऑस्टियोब्लास्ट कहा जाता है वे ऑस्टियोसाइट्स बनाने के लिए डिवाइडेड होते हैं बोन के मेचोर सेल को ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है जो लकनिया या खामिया में पाया जाता है बोन को डिस्ट्रॉय करने वाली सेल ऑस्टियोक्लास्ट होती है वे बड़ी सेल हैं और साइटोप्लाज्म में 50 न्यूक्लियाई होते हैं वे वहाँ पाए जाते हैं जहाँ एक्टिव ग्रोथ रिपेयर और रिमोडलिंग होता है आइए इसी से जुड़ा अपन एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं which type of tissue include in areolar tissue तो इसके ऑप्शन है कॉलेजन, एलास्टिन, रेटिकुलर ऑल ऑफ द above इसका सही आंसर होगा कॉलेजन यानी कि ऑप्शन ए अब अपन बात करते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.05 टू 1.060 होती है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में एक बड़ी संख्या होती है डिफरेंट टाइप की सेल में ये दो फ्लूड होते हैं ब्लड और लिम ब्लड की बात करें तो ब्लड की स्टडी को हिमाटोलॉजी कहा जाता है बोन मेरो में ब्लड फॉर्मेशन की प्रोसेस को हिमाटोपोसिस या हिमोपोसिस कहा जाता है ब्लड का कलर हीमोग्लोबिन के कारण होता है ब्लड नेचर में एल्कलाइन होता है मेल में ब्लड का वॉल्यूम फाइव टू सिक्स लीटर और फीमेल्स में फोर टू फाइव लीटर होता है ब्लड की कंपोजिशन की बात करें तो ब्लड में लिक्विड पार्ट 55 परसेंट प्लाज्मा होता है और सॉलिड पार्ट 45 परसेंट सेलुलर पार्ट होता है लिम्फ की बात करें तो लिम्फ वह प्लाज्मा है जो कैपलरी से निकलने के बाद यह टिश्यू को न्यूट्रिशन देता है और उनसे वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है इसमें बड़ी संख्या में लिम्फोसाइट और कुछ मैक्रोफेजेस भी होते हैं मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो मस्कुलर टिश्यू में मसल फाइबर के रूप में कहे जाने वाले लंबी सेल होती है जो मस्कुलर टिश्यू के उत्पादन रख रखाव आसान के परिणाम स्वरूप रूप ए का यूज कर सकती है यह सुरक्षा भी प्रदान करती है मस्कुलर टिश्यू को थ्री टाइप में क्लासीफाइड किया गया है स्केलेटन टिश्यू कार्डिक मसल टिश्यू स्मूथ मसल टिश्यू स्केलेटन टिश्यू की बात करें तो इनका नाम इसके स्थान से रखा गया है यह आमतौर पर स्केलेटन की बोन से जुड़ा होता है मसल्स को वॉल्ट्री माना जाता है क्योंकि यह कॉन्सियस कंट्रोल द्वारा कंट्रोल या रिलैक्स करने के लिए बनाया जा सकता है ये टिश्यू कुछ सेंटीमीटर से लंबाई में भिन हो सकते हैं 30 से 40 सेंटीमीटर तक की शॉर्ट मसल्स में लॉन्गेस्ट मसल्स में 60 सेंटीमीटर होती है कार्डियक मसल टिश्यू की बात करें तो यह हार्ट की अधिकांश वॉल्स का फॉर्मेशन करता है यह इनवॉलेंट्री होती है और इसका कॉन्ट्रैक्शन कॉन्शियस रूप से कंट्रोल नहीं होता है कार्डिक मसल्स के फाइबर्स की ब्रांच होती है और आमतौर पर कभी कभी सेल पर केवल एक सेंट्रल न्यूक्लाई होता है जिसमें दो न्यूक्लिया होते हैं स्मूथ मसल्स की बात करें तो यह होलो इंटरनल स्ट्रक्चर की वॉल में लोकेटेड होती है जैसे कि ब्लड वेसल्स लंग्स के लिए एयरवे स्टमक इंटस्टैंड गोल ब्लैडर यूनरी ब्लैडर इसके कॉन्ट्रेक्शन में ब्लड वेसल्स के लूमेन को कॉन्स्ट्रिक्ट या किया जाता है यह आमतौर पर इनवॉलेंट्री होते हैं इसका फाइबर छोटा मोटा होता है और बीच में इसमें एक न्यूक्लियस होता है अब अपन बात करते हैं नर्वस टिश्यू के बारे में तो ब्रेन स्पाइनल कोड और नर्व में नर्वस टिश्यू पाया जाता है यह बॉडी की कई एक्टिविटीज़ के कोऑर्डिनेट और कंट्रोलिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है यह मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन को स्टूमुलेट्स करता है एनवायरमेंट के बारे में जागरूकता पैदा करता है और भावनाओं स्मृति और तर्क में एक प्रमुख भूमिका निभाता है यह केवल टू प्रिंसिपल टाइप की सेल्स से मिलकर बनता है न्यूरोग्लिया और न्यूरोन्स न्यूरोग्लिया की बात करें तो न्यूरोग्लिया जिसे ग्लिया या ग्लियन सेल्स भी कहा जाता है नर्वस सिस्टम की नॉन न्यूरल संबंधी सेल्स हैं वे एक समृद्ध समर्थन प्रणाली की रचना करते हैं जो नर्वस सिस्टम और नर्वस टिश्यू के ऑपरेशन के लिए आवश्यक है न्यूरॉन की बात करें तो एक न्यूरॉन न्यूरॉन या नर्व सेल एक इलेक्ट्रिकली रूप से एक्साइटेबल सेल है जो विशेष सेल्स के साथ संचार करता है जिसे सैनिक कहा जाता है यह स्पंज और प्लाकोजोआ को छोड़कर सभी एनिमल्स में नर्व टिश्यू का मेन कंपोनेंट होता है प्लांट्स और फंगस में नर्व सेल्स नहीं होती है दोस्तों कैसा लगा हमारे वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताए और दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ लाइक करना ना भूलें हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार